अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान और इंग्लैंड की। इंग्लैंड और हिंदुस्तान में आज सेकंड टेस्ट खेला जाना था और क्या ज़बरदस्त स्टार्ट लिया यहाँ पर इंडिया ने। इंडिया के स्टार्ट के बाद यकीनन आपको कहना पड़ेगा कि भाई फैसला करने में उनसे बेहतर कोई नहीं है। और पिछले मैच की तरह इस मैच में ओपनर केएल राहुल को खिलाया और सबसे बड़ा फ़ायदा केएल राहुल की ओपनिंग का इनको मिल चुका है इस टाइम पर, और अभी वो नॉट आउट पर बैटिंग कर रहे हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में देखें, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको मजीद वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहें। तो अब चलते हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी अच्छी देखने को मिली हमें। रोहित शर्मा जो थे वो तेज स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे, उसके बाद केएल राहुल जो हैं आउटस्टैंडिंग बैटिंग किए इन्होंने और 127 रन अभी भी बना चुके हैं। डे वन जो है वो स्टंप हो चुका है। इंडिया इज़ लाइक 276/3 और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर आ गया इंडिया। उसके साथ विराट कोहली आज एक बार फिर लॉर्ड्स के मैदान पर स्कोर करने में फेल हो गए। 42 रन बनाए उन्होंने 103 गेंदों में, जबकि सिर्फ 3 ही उन्होंने चौके लगाए। तो कोहली की फॉर्म अभी भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म चली हुई है। और यहाँ पर अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूँ तो पहली विकेट जो है इस टाइम पे गिरी 126 रन पे, और जब आपको 126 रन का ओपनिंग स्टैंड देखने को मिल जाए तो आपकी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है, और आज ये इंडिया के साथ हुआ। फिर दूसरी विकेट यहाँ पर गिरी चेतेश्वर पुजारा की, जो कि आउट हो गए 150 रन पे। बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन हो गई, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा को आप इतनी जल्दी आउट होता हुआ नहीं देखते हो, और वो डिफेंड ही कर रहे थे, अभी तक अटैकिंग भी नहीं किया था। फिर आए यहाँ पर किंग कोहली जो है उन्हें आकर अच्छे खासे अपनी टीम को सपोर्ट देने की ज़रूर कोशिश की। 42 रन की इनिंग की केएल राहुल के साथ, और ये इनिंग जो थी काफ़ी ज़बरदस्त जा रही थी, पर तीसरे सेशन में जो है विकेट अब किस तरह से हासिल कर ली इन लोगों ने। और उसके साथ अजिंक्य रहाणे जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, अभी तक एक ही रन बनाया उन्होंने 22 गेंदों में, जो कि आप कह सकते हो कि ठीक ठाक है उनके हिसाब से, क्योंकि वो स्लो स्टार्ट करते हैं मगर जब आ जाते हैं फॉर्म में तो फिर उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। और इंडिया की स्टार्ट के बाद आप कह सकते हो कि पिछले जो मैच था उससे बहुत ज़बरदस्त सीखना चाहिए था यहाँ पर इंग्लैंड को, क्योंकि पिछले मैच में जो है उन्होंने पहले बॉलिंग करके गलती कर दी थी, पहले बैटिंग करके गलती कर दी थी जिसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और इस मैच में जो है उन्होंने पहले बॉलिंग करके गलती कर दी है। तो टॉस के बारे में आप कहें तो टॉस जो है वो हमेशा की तरह विराट कोहली हार चुके हैं, जिनसे अब टॉस जीतने के एक्सपेक्टेशन करना बहुत ज़्यादा ही हो गया है। उसके अलावा जो है अब मैच में आप इतना कह सकते हो कि इस टाइम पे इंडिया जो है वो अपर एंड पे आ चुका है। 276 जो है वो पहले दिन पे बन चुके हैं, 90 ओवर जो है वो पूरे करवाए गए, और ये जो मैच है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का होने जा रहा है, क्योंकि इस मैच में बारिश का कोई खास इम्कान है नहीं और इस मैच का रिजल्ट भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन की तरफ से बात करें तो जेम्स एंडरसन जो है वो हासिल कर चुके हैं 2 विकेटें, जो कि ठीक ठाक है यार, 39 की एज में टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और 2 विकेटें भी हासिल कर रही हैं। और उसके अलावा यहाँ पर रॉबिनसन जो है वो 1 विकेट हासिल कर चुके हैं, जबकि सैम करन, मार्कवुड और मोइन अली जो है इन्होंने अब तक कोई भी विकेट हासिल नहीं किया है। मोइन अली ने 13 ओवर बोल कर लिए, उसके अलावा मार्कवुड 16, सैम करन 18 और रॉबिनसन ने 23 ओवर बोल के, जबकि जेम्स एंडरसन इस टाइम पे 20 ओवर जो है वो बोल कर चुके हैं। और 39 ईयर्स की एज में इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग जो है वो आप सिर्फ जेम्स एंडरसन से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा कोई आपको मिलेगा नहीं। ओवरऑल इंडिया की अगर पोजीशन की बात करें तो दे आर लाइक ऑन द फ्रंट फुट, और वो इस टाइम पे पूरे तरीके से सीरीज़ को लीड करें, क्योंकि पिछले मैच ड्रॉ होने के बाद ये मैच जो भी जीतेगा सीरीज़ यकीनन उसकी हो जाएगी, और इंग्लैंड जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी में आ चुके हैं। दाद देनी पड़ेगी इंडिया को, इंडिया की प्लेइंग 11 को और इंडिया के जो लोग हैं उन सबको, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट किया, और जिस तरह से विराट कोहली इतनी इनिंग में फेल होने के बाद भी आप उसको खिला रहे हो, और यही जो है एक क्रिकेट बोर्ड का होता है कि अब अगर पाकिस्तान होता तो कब से यहाँ पर हटा दिया होता, क्योंकि 2019 के बाद से कोई सेंचुरी नहीं है विराट कोहली की, और अभी भी वो कैप्टन है और कैप्टन बड़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।